हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोलगप्पे। पानी पूरी कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, एक मुट्ठी धनिया और एक मुट्ठी ही हमें पुदीना चाहिए। साथ में हम डालेंगे 4-5 हरी मिर्चें। इसमें हम आधा कप पानी डाल के पीस लेंगे अच्छे से। यह हमारा धनिया और पुदीना पीस चुका है, अब हम इसको पानी में डाल देंगे। मैंने 2 कप पानी लिया बाउल में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल नमक, 1/2 टीस्पून हम वाइट नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये काफ़ी तीखा बनता है तो इसीलिए हमने ब्लैक पेपर भी डाला है और ग्रीन चिल्ली भी। आप जितना तीखा बनाना चाहते हो उस हिसाब से अपनी मिर्ची डाल सकते हो। ये मैंने खुद भून के जीरे को पीस लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमारे पास 2 टीस्पून पानी पूरी का मसाला है। अगर आप पानी पूरी का मसाला डाल रहे हो तो नमक देख के ही डालें आप, टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में हम डालेंगे ये इमली का प्लम। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। इमली का प्लम डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए मैंने इमली का प्लम डाला है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप छानना चाहे तो छान भी सकते हो। अभी हम पानी को छान लेंगे। ये देखिए जितना भी मोटा मोटा था सारा ऊपर रह गया हमारा। आप चाहे तो छाने, चाहे अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो बेशक ना छाने। अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। और साथ में डालेंगे ये खट्टे वाली बूंदी जो होती है थोड़ी सी। देखिए यह हमारा गोलगप्पे का खट्टा और स्पाइसी पानी बन के तैयार है। अब हम मीठी चटनी बना लेते हैं साथ में। ये इमली का प्लम है, इसके बीच हम डालेंगे चीनी 2 चम्मच। चाहे तो आप जो गुड़ इमली की मैंने चटनी पहले बना के रखी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नमक डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम नमक। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टोमेटो सॉस, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका भी कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसमें भी हम 1 क्यूब आइस क्यूब डाल देंगे ताकि ये भी ठंडी हो जाए, फिर इसको यूज़ करेंगे हम। अभी हम पूरी में भरने वाला जो मसाला है वो बना लेते हैं। ये मैंने आलू बॉईल करके उसको चॉप कट करके रख लिया था, और चॉप प्याज, चॉप ग्रीन चिल्ली 2 से 3 डालेंगे, वो भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप चिल्ली डाल सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसको। इसमें मैंने ये थोड़ी सी भिगो के रखी थी मूंगी की दाल, हरी मूंगी की, वो भी डाल देंगे हम। आप चाहे तो चने बॉईल करके डाल सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हम पहले आटा ले लेंगे। ये 300 ग्राम हमारा आटा है और ये 60 ग्राम हमारी सूजी है।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका अच्छे से डो बना लेंगे। थोड़ा टाइट सा डो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाना है ताकि ये नरम, ज़्यादा नरम ना हो जाए। सख्त बनाना है डो हमने, जैसे पूरी का आटा होता है। आटा हमारा हो चुका, अब हम इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से। आधा घंटा हो चुका है, अब हम आटे को फिर से मसल लेंगे थोड़ी तेल लगा के। अच्छे से मसल लिया हमने इसको 3-4 मिनट, अब फिर से हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं अच्छे से। आटा हमने अच्छे से मसल लिया, अब हम इसको 2 पार्ट कर लेंगे। और इसको बेल लेंगे, अब थोड़ा सा डस्टिंग करके हम इसको बेल लेंगे अच्छे से। हम इसको कट करेंगे, ये मेरे पास छोटा सा कैप है, मैं इसी से कट कर रही हूँ। गोलगप्पे हमारे सारे कट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे, सभी को एक ट्रे में रख लेंगे। इनको ढक देंगे ताकि ये सूखे ना, और दूसरी लोई से भी हम बना लेंगे गोलगप्पे। अब जो बचा था आटा हम उसके भी बना लेंगे गोलगप्पे, सभी एक साथ बना के उसके बाद ही फ्राई करेंगे। गोलगप्पे हमने सारे निकाल के रख लिया, अब हम इसको फिर से बेलेंगे एक एक लेके, और गीले कपड़े से इसको ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना। गोलगप्पे हमने सारे बेल लिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसको ऐसे ही गीले कपड़े से ढक के ही रखना है। तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। दोनों तरफ से हम इनको पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। ये देखिए हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए, नीचे चला जाए। इसी तरह से हम सभी बना लेंगे, इसी तरह से हम सभी गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनके रेडी हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं, क्रंची। अब हम इसको फिल करेंगे जो हमने आलू और दाल का मसाला बनाया प्याज का। इसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी मीठी चटनी। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसी और खट्टे पुदीने का पानी,
ये देखिए हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं, आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।